जयपुर ऐसी जगह है जहाँ मेरा बचपन तो नहीं बीता, लेकिन जब मैं जयपुर आता हूँ, यहाँ लोगों से मिलता हूँ, खासकर यहाँ के ऑडियंस से, अभी मेरी जितना इंटरेक्शन होता है लोगों से, जाके फिर मैं बैठ के बातचीत करता हूँ, मुझे यहाँ पर लोगों में बहुत ही एक तरह की क्यूरियोसिटी बात है। और यहाँ खासकर जो यहाँ के यंग लोग हैं, यहाँ का युवा वर्ग है, बहुत ही जागरूक युवा वर्ग है। ये वो तो शायद इस वजह से हो कि दिल्ली के पास है, सब जगहों के पास है, यहाँ के लोगों के रिश्ते बने हुए हैं, जाते आते रहते हैं, बहुत वेल ट्रेवल्ड है। यहाँ के लोगों में उत्सुकता है, यहाँ के लोगों में जानने की इच्छा है, और साथ साथ साहित्य के प्रति प्रेम है और संस्कृति के प्रति भी बहुत प्रेम है। तो ये सब मिलके जयपुर को एक यूनिक जगह बनाता है। और कल्चरली तो हम सब जानते ही हैं, फोक कल्चर यहाँ का इतना खूबसूरत है, क्लासिकल म्यूजिक जयपुर घराना हमारे यहाँ बहुत मशहूर घराना है, जयपुर घराना। यहाँ राजसी परंपरा है, राजा और प्रजा का एक जो एक रिश्ता है वो क्या होता है वो यहाँ आपको देखने को मिलता है। तो एक यूनिक जगह है जयपुर अपने आप में, जहाँ पर एकदम मॉडर्निटी भी आपको एक तरफ दिखती है और दूसरी तरफ एकदम ट्रेडिशनलिज्म भी आपको दिखता है। यहाँ पे हार्डकोर कंजर्वेटिव आप भी लोग मिलते हैं आपको, यहाँ पे हार्डकोर लिबरल भी मिलते हैं, और यहाँ पे बड़े बैलेंस लोग भी मिलते हैं आपको। तो एक तरह की यहाँ पर एक इंद्रधनुष है, एक तरह से चरित्रों का, वो मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। और उसकी वजह से मुझे लगता है कि जयपुर को अभी तक जिस तरह से प्रस्तुत किया गया है, उससे मेरा जो मुख्तलिफ अंदाज रहेगा जयपुर के बारे में, वो ये रहेगा कि मैं जयपुर की जो यूनिकनेस है, कि जयपुर का जो ये युवा वर्ग का पक्ष है, इसको सामने लाने का प्रयास करूं। क्योंकि जयपुर की ट्रेडिशंस पे तो बहुत बात हो चुकी है, वो टूरिज्म भी करता है, वो हर जगह और करता है, वहाँ के यहाँ के पुराने कल्चर की और राजा महाराजाओं की बातें तो बहुत हो चुकी है, लेकिन शायद कोई कंटेम्प्ररी जयपुर की बात नहीं करता है। तो शायद मैं कंटेम्प्ररी जयपुर की बात करता हूँ।